अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको शो करवाऊंगा कि आप अपनी विंडोज़ को सूरज की जो हीट आती है उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी मेन टू से है कि आपका कोई रूम है, जैसे कि मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ, मेरा ये सेकंड फ्लोर पे रूम है जिसमें मैंने इंस्टॉल करवाया है, एयर कंडीशन इंस्टॉल करवाया है, मगर जो विंडो है मेरी वो इस तरह लोकेट करती है कि जो सन लाइट है, सूरज की हीट है, वो डायरेक्ट पड़ती है और अंदर कूलिंग जो एसी ने करनी है, परफेक्ट कूलिंग है, वो नहीं हो पा रही। तो मैं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च किया है इसके रिलेटेड के मैं कैसे इस चीज़ से बच सकता हूँ, मैं इस हीट को कैसे रोक सकता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कूलिंग अंदर रूम में ले सकूं। तो मुझे कोई भी इसके रिलेटेड एफिशिएंट वीडियो नहीं मिली, तो मैं ये देखा एक वे से, ये थर्मोपोल है, मैं आपको शो ऑफ करवाता हूँ। लेट सी दीज वन, ये थर्मोपोल की शीट्स हैं, इनको मैंने सर्च किया है मार्केट से, तो ये मुझे मिली है। इसको हम अब इसको टुगेदर बाउंड करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के मैं आपको विंडो के ऊपर लगाना बताऊंगा ये कैसे लगेंगी। ये थर्मोपोल जो है, ये इसका मतलब कि ये नाम से ज़्यादा थर्मोपोल, थर्म बोलते हैं हीट को, तो ये हीट रेजिस्टेंस है, मतलब कि हीट को ये रोकेगी। तो मैं आपको आज शो करवाऊँगा ये कैसे आपने करना है। तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिली इसके रिलेटेड इंटरनेट से, तो मैं ये मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ ये अपना कॉन्सेप्ट जो है ये शेयर करूं। तो आपके हाउसेज में, बिल्डिंग में अक्सर एल्युमिनियम की शीशे की विंडोज़ लगी होती हैं और सूरज की जो हीट है गर्मियों में, या गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हीट डायरेक्ट अंदर आ रही होती है। तो आप उस हीट को कैसे मतलब को रोक सकते हैं, अंदर हीट ना आए और अंदर की कूलिंग भी बाहर ना जाए, तो एफिशिएंट रिजल्ट आपको एसी का मिलेगा इससे। तो ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले मैं आपको वो शो करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना जो मेरी लोकेशन है, जो मेरी विंडो है, वो मैं आपको शो ऑफ करवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें ये देखें फ्रेंड्स, हमें चाहिए थर्मोपोल की शीट है, ये आपकी सीलिंग वाली जो मार्केट होती है उससे, उस मार्केट से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, तो फ्रेंड इसके अलावा हमें दो चीज़ें और चाहिए। एक मेरे पास ये, आप इसको बोलें ये कटर है, जो नॉर्मली घर में होता है, ये भी नहीं है आपके पास, तो आप किचन की नाइफ वगैरह, छुरी वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरी जो चीज़ है, ये समाध है मेरे पास, यहाँ आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप टेप से भी इनको जोड़ सकते हैं। तो मैं अब आपको शो करवाता हूँ अपनी विंडो की लोकेशन, किसको मैं ये प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा सिनेरियो है, मैं आपको दिखाऊं, ये मैं इसकी कूलिंग जो है एसी की, ये मैं रोकना चाहता हूँ, मतलब कि ना बाहर जाए और बाहर से हीट बहुत आ रही है। ये वाली मेरी विंडो है, मैं आपको इसका क्लोजअप लेके मैं आपको शो करवाता हूँ इसका सिनेरियो क्या है। लेट्स सी, ये देखिए, ये देखें फ्रेंड, ये मेरी विंडो है, ये फ्रंट पे मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये देखें, मैं आपको दिखा सकूँ, तो इस टाइम वो सूरज सामने है इसके, तो मैं चाहता ये हूँ कि इसको मैं किसी तरीके से, मैं पीछे होके इसको आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसको कवर करना है, इस विंडो को मैं अपनी को थर्मोपोल के साथ कवर ऐसे करना है कि वो थर्मोपोल निकल भी जाए बाद में, और दोबारा जब मुझे मैं हीट को रोकना है तो मैं इसको दोबारा इंसर्ट इसके अंदर कर सकूं। तो डायरेक्ट हीट यहाँ से अगर मैं नहीं रोकता तो मेरी ये शीशा मेरे रहे, तो यहाँ से सूर्य की डायरेक्ट हीट जो है अंदर आती है, जिसकी वजह से एफिशिएंट कूलिंग अंदर नहीं हो पाती। तो ये मैं आज आपको शो करवाने जा रहा हूँ, तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लाइफ में किसी न किसी जगह काम ज़रूर आएगा, बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स करना हमने ये है कि मैं अपनी जो मेरी विंडो है उसका मैं फरमाइश ले ली है, तो वो 5x6 फीट है, तो मैं इनको ऐसे सीधा करके जोड़ना है, इनकी फरमाइश पूरी करके मैं एक कह लें कि एक बोर्ड पूरा बनाना है 5x6 का। तो ये मैं बनाता हूँ, बना के आपको शो करवाता हूँ। इसकी साइडें जो है ये वाली, इधर मैं लगानी है वो
जो मैं लाया हूँ समद सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, आप ग्लू भी लगा सकते हैं, टेप भी लगा सकते हैं, ऐसे दो रख के, ये देखिए ऐसे दो रख के आप शीशा टेप भी इनको लगा सकते हैं, हल्की ही है ये, टेप से रह जाएंगी, मगर मैं समाध लगाता हूँ, ये मैं जोड़ता हूँ, इसका पूरा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ 5x6 का, देन आई विल शो यू, फिर मैं आपको शो करवाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं साइज पूरा कर लिया है, ऐसे थर्मोकोल को रख लिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ऐसे मैं थर्मोकोल को रख लिया है। अब इसको मैं करना कुछ भी नहीं है, इसको मैं समाध लगा के आपस में बाउंड कर देना है, जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद मैं आपको शो करवाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं रुक के आपको एक बात बताता चलूँ कि अब हम जो है वो समाध को नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं समाध को यूज़ करने से थोड़ा सा यूज़ किया है तो ये थर्मोपोल को जला रही है, ये देखें मैं आपको शो करवाता हूँ, ये देखें इसने जला दिया थर्मोपोल को समाध, तो हम समाध के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे, अब हम ये यूज़ करेंगे टेप का, ये मैं टेप लेके आया हूँ, तो हम समाध नहीं यूज़ करेंगे, टेप के साथ इसको जोड़ के मैं आपको शो ऑफ करवाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये चार मैं टेप के साथ जोड़ लिए, ये देखिए इसकी दोनों साइडों पे टेप लगा के चार जोड़ लिए, नेक्स्ट पे मैं लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको यहाँ पे लगा के देन इसको बाइंडिंग कर रहा हूँ, टेप कर रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा इधर आएगा, ये देखें एल्युमिनियम के विंडो के अंदर ये थोड़ा सा गैप होता है तकरीबन 1-8 इंच का, उसके अंदर आप ये थर्मोकोल को लगा सकती हैं, दे सकती हैं, ये देखें दोस्तों। अब मैं इसको जो पार्ट रह गया इसमें मैं टेपिंग करूंगा, और इस वाली साइड पे भी मैं ये कटिंग करूंगा, कटिंग करके ये लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स ऑल इज़ डन, ये देखें अगर मेरी आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक, किसी का और का भला हो, जो नए आए हैं हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।